नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल 27 लाख के मोबाइल को खोजकर पुलिस ने आवेदकों को वापस किए। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिले में गुम हुए मोबाइल की शिकायतों में त्वरित कार्यवाही करने व गुम मोबाइल सर्च करने के निर्देश मिले थे। कार्यालय साइबर सेल बैतूल द्वारा वर्ष 2022 व 2023 में गुम मोबाइल के आवेदन में संबंधित थाने की मदद से प्रदेश के विभिन्न जिले हरदा, ग्वालियर, गुना, छिंदवाड़ा, नागपुर एवं बैतूल जिले से कुल 131 नग मोबाइल कीमत लगभग 27,74,766 रुपए के बरामद कर विभिन्न आवेदकों को जिला पुलिस कप्तान सिद्धार्थ चौधरी एवं साइबर टीम द्वारा लौटाए गए। उपरोक्त मोबाइल अधिकतर बाजार हाट में लापरवाही से गिरने, भीड़ वाले इलाकों में भूलने से गुम हुए थे। साइबर की टीम द्वारा पुलिस अधीक्षक बैतूल के निर्देशन में लगातार सर्चिंग की जा रही थी, जिस कारण परिणाम स्वरूप बड़े स्तर पर मोबाइल बरामद हुए। मोबाइल वितरण कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक बैतूल ने कहा कि आज के समय में मोबाइल बहुत महत्वपूर्ण साधन बन गया है, जो मानव को सामान्य जिंदगी को प्रभावित करता है। अतः मोबाइल के उपयोग के दौरान विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की जानकारी होना अनिवार्य है। मोबाइल में अपना पर्सनल डाटा, पासवर्ड एवं बैंक डिटेल को सेव करके ना रखें, अन्यथा मोबाइल गुमने पर इसका उपयोग अन्य अपराधों पर किया जा सकता है। एवं साइबर सेल को लगातार साइबर अपराधों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाने के निर्देशन दिए। उपरोक्त मोबाइल खोजने में पुलिस अधीक्षक कार्यालय साइबर सेल में पदस्थ आरक्षक राजेंद्र धात से, आरक्षक दीपेंद्र सिंह, आरक्षक बलराम राजपूत, आरक्षक चंद्रपाल सरयाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला पुलिस साइबर टीम ने आम जनता से निवेदन किया है कि गांव, शहर में लगने वाले बाजार हाट में एवं अन्य व्यस्ततम क्षेत्रों में मोबाइल फोन सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखें। कभी भी भीड़ भाड़ वाले स्थान में सामने की जेब में लापरवाही पूर्वक मोबाइल फोन न रखें। बैतूल से जिला ब्योमरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। आमतौर पर लोग ये सोच लेते हैं मोबाइल गुमने के बाद कि अब नहीं मिल पाएगा, लेकिन आज 130 मोबाइल बैतूल पुलिस साइबर सेल ने जो है बरामद किए हैं। कितना समय लगा और ये कब से गुमे हुए थे फोन लोगों के? पिछले कुछ महीनों की ये मोबाइल गुमने की है। साइबर सेल में इसका जो है शिकायत जब आती है तो हमारी टीम लग जाती है, और साइबर सेल की अथक मेहनत के बाद हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में 131 मोबाइल बैतूल में जो गुमे थे उसको ढूंढने में सफलता प्राप्त हुई, और आज इन जो इनके वास्तविक जो इनके ऑनर हैं उनको हमने मोबाइल लौटाने का काम किया है। कितनी कीमत है सर? करीब 27 लाख रुपए की कीमत आ रही है। 131 मोबाइल हैं, इसमें साइबर सेल में राजेंद्र, दीपेंद्र, बलराम इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया और मोबाइल को ढूंढ के इन्होंने वापस कराने में अपनी भूमिका निभाई है। सर, लोगों को क्या चीज़ों के प्रिकॉशन रखना चाहिए अपने मोबाइल फोन को लेकर? आमतौर पर क्या लापरवाही? मोबाइल फ़ोन जो है आज की पूरी जो समय है, आज के समय ये पूरी आपकी निजी डायरी है, जिसमें आपके पूरे फाइनेंशियल संबंधित भी सारे उसमें रिकॉर्ड्स रहते हैं, साथ में निजी जानकारियां, फोटोग्राफ्स आदि रहते हैं। तो इसकी सुरक्षा और साथ में रखना, उसको लॉक रखना बहुत आवश्यक है। इनकेस यदि वो मोबाइल गुम जाता है या चोरी चला जाता है तो कोई आपकी निजी जानकारी ले ना सके और जिससे कि आपको नुकसान हो, तो ये आवश्यक है कि फ़ोन को बहुत सुरक्षित तरीके से रखा जाए। न सिर्फ उसको चोरी होने से या गुमने से बचाया जाए, बल्कि उसको प्रॉपर उसको लॉक और जो पैटर्न लॉक है इसके भी अच्छे तरीके से उसको लॉक रखा जाए।